हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ तो जो संगीत आज खेली जा रही है हमारे गंगा कंपनी के सौजन्य से, ये हमारे राम खिलावन जी के नाती, ये हमारे सुरेश कुमार उर्फ गुंडा जो कि उनके तमाशे का नाम है, सरिता सती पागल पति उर्फ डाकू अंधेर से। आप लोगों की सेवा में आप सबके सामने हमारे चंबल घाटी के खूंखार डाकू अंधेर सिंह पधार रहे हैं। अबे और पीछे, अबे तुम ही बोलाओ पीछे, अबे माई का सब छर्रा लग जाएगा। ये कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीसरे कदम पे हजारों गोली की बौछारें होगी। बच्चों से चुम्मा प्यार, बच्चों से चुम्मा प्यार, साथियों से नमस्कार, बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हम विदाएं चंबले, हम विदाएं चंबले, हम बेबिदा चंबले, आसमां में क्या है ताकत जो छुड़ाए चंबले। चंबल में रहते रहते घर द्वार हो गया, आ गया माँ की चलो तो माँ का तलबगार हो गया। जंगल में रहते रहते खुखार हो गया, और मार दिया गोली तो सीने पार हो गया। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, बंदा इतना तेज दौड़ा की मोटर कार हो गया। लैला किस्मे मजनू का दिल चाक हो गया, और हम भी तुम्हारी सूरत मजनू का बाप हो गया। या रसूल अल्लाह बदरिया गम की छाई है, मगर आप लोगों की आज साथी हमें यहाँ तक लाई है। मेरा 40 आदमी का गिरोह था, पुलिस के मुठभेड़ में सारे लोग मारे गए, एक झाला साथी बचा है, वो भी भाग रहा है। भाग बेटा, देखता हूँ कितना भागता है। आज अगर मुलाकात हो गई तो माई कसम तेरे सर के अंदर तेरी गोली उतार दूंगा साले की, तेरा खोपड़ा आसमान पे घूमता हुआ नजर आएगा। आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पीछे पीछे। जय माँ भवानी की। लेकिन ये बात आवे सरदार जी, अरे बताओ भाग क्यों रहा था? क्या बताओ सरदार जी, थोड़ा डर गया इसलिए मैं भाग रहा था। क्या कहा, डर गया था? डर गया सरदार जी। अगर बंदूक का टाइगर दब गया होता तो आज तेरी आत्मा तेरे परमात्मा के पास पहुंच जाती बे। लेकिन जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करना, इसलिए कि लुटेरा चंबल का मेरा नाम डाकू अंधेर है। अबे मैं किसी की गलती माफ नहीं करता हूँ, अगर माफ करता हूँ तो माई कसम इस बंदूक की गोली से माफ करता हूँ बे। नंबर एक और नंबर दो। नंबर आखिर बात क्या है सरदार जी, जो कि आप अभी तक इतना थे, लेकिन बात ही बात में आप उदासी का कारण क्या है, आप रोने लगे, अगर इसका कारण क्या है सरदार जी? क्या बताऊं लाल बहादुर, आज मुझे एकाएक अपनी बीती हुई कहानी याद आ गई। लाल बहादुर, वो कौन सी ऐसी कहानी है जो कि आज याद आने के बाद आप रोने लगे? जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई लाल बहादुर। माँ को जाने के बाद क्या हुआ, घर में मैं बचा और मेरे पिताजी और मेरी एक बहन जिसका नाम सरिता था लाल बहादुर। सरिता था। उसके बाद क्या हुआ? बहुत भारी कुंभ मेला लगा हुआ था, हमें और मेरी बहन सरिता को लिवा के चल दिए कुंभ मेला स्नान करने। स्नान करने से पहले मेरे हाथ में दिलेश लिखवा दिया और बहन के हाथ में सरिता लिखवा दिया। फिर क्या हुआ? लाल बहादुर, अचानक मेले के अंदर बहुत भीषण तूफान आ गया। तूफान आ गया, और इसी तूफान में मेरी बहन सरिता खो गई। मैं और मेरे पिताजी क्या किए, बहन सरिता का बहुत पता लगाया फिर? लेकिन भीड़ के कारण मेरी बहन सरिता का कोई पता नहीं चला। बहन की याद में हा? उसी गंगा घाट में पिताजी अपना दम तोड़ दिए। पिताजी को दफन किया, दफन करने के बाद अपने गांव आया। फिर क्या हुआ? अब एक कुछ समय के बाद मेरे गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक कहने लगे, अरे ओ दिलेर सिंह, तू अपनी बहन को कहीं बेच डाला, कहीं गिरो रख दिया, कहीं जुआ खेल गया और कहीं शराब पी गया। ये ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? भागते चंबल घाटी आया और उठा लिया बंदूक का बाना और कसम खा लिया क्या? जय माँ भवानी की। वाह,
अगर मैं अपनी बहन की डोली अपने कंधे से नहीं उठा सका तो आज के बाद कसम खाता हूँ किसी बहु बेटी की डोली नहीं। लेकिन सरदार जी, अभी तो मैं आपको देख रहा था कि आप रो रहे थे, लेकिन अचानक आप हंसने लगे, आखिर इस हंसी का कारण क्या है सरदार जी? क्या कहा लाल बहादुर, मेरे हंसने का कारण भी जानना चाहता है? सरदार जी। लाल बहादुर, हाँ, तू मेरा बहुत वफादार साथी है, इसलिए मैं तेरे से कोई बात छिपाता नहीं, हर बात तुझे बताता हूँ, तो हंसने का कारण ध्यान से सुनना लाल बहादुर। बताइए सरदार जी, आखिर कारण क्या है इसका? अच्छा, दस में जब पढ़ता था मैं दोस्त मान, एक लड़की थी पढ़ती मेरे साथ में, क्या बात है, हर नाम में उसी का छबी थी दुल्हन। बात तो ही बात ने मुझे पूरा दे दी थी, नाम उसी का छवि था, अरे लाल बहादुर। हाँ सरदार जी। मैं कक्षा दस में पढ़ता था, अब क्या हुआ, मेरे साथ एक छबीली नाम की लड़की पढ़ा करती थी, अब ये दोनों आमने सामने बैठते थे, फिर क्या हुआ, छबीली की निगाह मेरे ऊपर रहती थी और मेरी निगाह छबीली के ऊपर, अब देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। अरे क्या बताऊं लाल बहादुर, फिर इसके बाद क्या हुआ, छबीली सियानी हो गई, अबे उसकी माता पिता ने, अरे उसके माता पिता ने छबीली की शादी कहाँ कर दिया, कहाँ कर दिए, अबे कानपुर शेर छंगू लाल के यहाँ कर दिया, शेर छंगू लाल के यहाँ, अबे क्या बताओ, धन के लालच में छबीली के माता पिता ने शेर छंगू लाल से छबीली की शादी कर दिए, अबे इस समय अबे छबीली 24 और 25 साल के हैं और छंगू हरामखोर सहठोर 65 साल का। लेकिन क्या बताऊं, क्या बात, मैं छबीली से मुलाकात करने जरूर जाता हूं बे। कैसे? अबे जब भी जाता हूं तो सिर्फ मंगलवार के दिन जाता हूं। वाह। जब भी जाता हूँ तो उसका चचेरा भाई बनकर जाता, चचेरा भाई बनकर के, हर निगाहों में बहन भाई का रिश्ता रहता है, और निगाहें हटने के बाद प्यार मोहब्बत की बात होती है। अबे आज आया, हाँ, अबे कल मंगलवार का दिन है, फिर मैं जा रहा हूँ छबीली से मुलाकात करने। अच्छा, अगर कोई पूछता कि डाकू अंधेर सिंह कहाँ गया, मेरा पता किसी को बताना नहीं, याद रखना। लेकिन क्या बताऊं बे, क्या हुआ, चलते चलते कैसे, अरे सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवर दीदार जर्रे जर्रे में परवर दिगार है, सुनता हूँ जर्रे जर्रे में परवर दिगार है, कि क्यों भटक रहा है किसका इंतजार है, फिर क्यों भटक रहा है किसका इंतजार है, जब सामने हर साए में जल्ले जलाल है, फिर सजदा करने जा रहा मजार है।
मेघला ढोल बजावई गदा गावई गानावा लोखाड़िया चटुर तोरई तानावा। अपने मनावा लुखाड़िया चटुर तोरई ताना इराम हो इराम हो नाम राम नहीं ने हमारे मुनि मोवाई हुई अब होगा चला तय कोई hey. तो बोलो भाई करी ए मुनि मुहा हई बोल दीबा हई बोल दीबा इराम हो इराम हो ये नजनी का जनी कहा के बोल दीबा कहा यहां जुरे कावा काको हई बोल दीबा हई इराम हो का बताए पंचो अपने काका पकड़ ले नहीं तो हमरे काका अगर ही खाई में गिर जाए तो मरिए अपन जोन की चौभर बतिया वो तोड़ ले तोरे पिछुआ तो हाँ हम गेहूं काटत रहे ए बेटवा हाँ काका बोर्रा ना कहता कहला प्रतापगढ़ सुल्तानपुर ले आई और दिल्ली उठाई ली आई आई जंगी ऐसा ना सारे तोका बहन हम ही गठिया जेब सहूर भा बुढ़ाने ना तू काका का भाव ना आठ आना रुपया तोला बिचाल ले ब्या आपके कहा चाहे बेटवा मुनीम कुर्सी लिया हुआ बैठी हाँ। तू कहा था आईठिंगे बेटवा काका हो हाँ बेटवा तोहरे बिना हम स्पेशल कुर्सी लिया यही सऊदीया से हाँ सौरी वाली ना हाँ। रोहू पहना वाली नहीं राम हो सऊदीया से दोहाई बीर बाबा पहलवान साहब बाबा जना हमारे तू खड़ी कही दे कुर्सी औते मान तुहार लंगोठा हम छीन के दूसरे के दे दे भाई काका हो हाँ बेटवा कुर्सी तैयार बा बस ऐसे आवे गच्चे दिना असल नहीं ले ए बेटवा ये के पेज वाली कुर्सी कैसे बैठ जात रे ये पर हमें डर लागत बा ए पर ना बैठ पाउते नहीं बेटवा डर लागत अरे काका ए पर बहुत आराम है बैठ जाइए हाँ ऐसे आप आवे हाँ। अलती पलती मारे बस गच्चे दिना ये बेटवा हमें पर कभो बैठा ना यही तैयार पहले हमको बैठ के दिखाओ अरे राम हो अगर हम यहाँ पर बैठा तब तो हम मर जाब हमारे लड़कियां राण हो जाए मेहरारू विधवा बन जाई ए भगवान कैसे तैसे ग्रह कट जाए ए पर ना बैठ बेटवा नहीं बेटवा तोरे बिना हमें स्पेशल कुर्सी ले आई हाँ बेटवा दुबई से वाली पराई बरवा ना उसका तरकारी दाल कहा था अरे काका फाइबर की कुर्सी ले जा बेटवा
ऊपर बैठ जे पर हमारे गंगा कैसी के मालिक पुनीत शर्मा जी और हमारे मास्टर साहब बैठते हैं वही वाली एक ना बैठ बैठवा ठीक है काका काका हो कुर्सी तैयार बा जौन चार गोल में जौन अच्छा लगे बस आसन मारा गच्छ से ए बेटो हां ई कैसे कुर्सी लिया रे कैसे बैठ जा भाई ए पर बहुत बढ़िया बैठ जात बहुत लहाय के पर बैठ जा बस समझ एकदम सोफा सेट पे बैठ गया ए बेटो अरे पे ना बैठ पाऊ तही बैठ पे ना बैठ पाऊ नहीं तू बहुत होशियार है काका अब आ गच्छ धीना आसन ग्रहण करा हां बेटो बा एने कइयो मोहरा बा कईयो मोहरा है बेदर्दी चुम्मा लेके चले गए हमरे काका का लागत है गुड़वा पालिश मार देस का गाय भोई काका का भाव बेटवा एक रुपया दो रुपया किलो बिचान ले बे इनही को वजह से भारत में पहली विकेट गिरा था बता वाला ऐसा लागत है जना कतो बात से किनारे जाए के बैठा है बस काका आपके एक लोटा पानी एक की बीड़ी जरूरत यह है बस फूका तैसे लेसत पड़ा रहा ऐसे बैठा जा था अब बताओ पाता ना जाम गई है अल्हाऊ तब लहाऊ तब लहाऊ तब का लहाए अभी बैठा कवा बेटवा बैठका के नाम पहले लेवा करा हाँ ए मुने बेटवा हाँ काका तू ता जनबाई करा थू अच्छी तरीका से कि हमार कितना बड़ा बा सही कहता काका हम हो और हमारे मास्टर साहब आओ तो हमारे गंगा कैशिर पुनीत शर्मा भैया तो हाँ इंची टेप लेके नापे रहे कितना बड़ा बा कितना छोट बा कई इंच के बा कितना लंबा बा अरे काका कहना सारे हमारा कारोबार कितना बड़ा बा हमारे जगह जमीन जायदाद कितना है हाँ बेटवा हाँ काका हमारे तीन तीन फिटकरी है बेटवा फिटकरी ना है ना तोहरे लोहबान ही है लेके चला जाए और झाई करावे ते बेटवा का कहा थीन फैक्ट्री हाँ एक ही बमकई में है हम बमकई ना ही बमकई ना है काका गंधौजी में इराम हो बम्बई में एक ही राय बरेली में है हाँ बरेली में है एक ही है सतहरिया में जहाँ कुकुर कोला बना था बेटो वा हुआ कुकुर कोला ना आए बिना हुआ बिलार कोला बना था आजकल गर्मी में खूब उछाल मारे हैं और क्या जो न लमका लमका बेटो वा लिमका हाँ 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 कोको कोला फैक्ट्री यहाँ सतहरिया में हाँ हाँ ये बेटो वा हाँ काका इसे भैया ने सोचा तो ही जब से आए मैं भड़भड़ाती बा ये जो हमारे दूर दरार से आए हुए प्रिय दर्शक भाई हैं और हमारे गंगा कैशिप के मालिक हमारे पुनीत शर्मा जी सोचा था जब से आए यहाँ तब से सेठ जी भड़बड़ाते नहीं क्या हाँ काका भैया ने हमारे पत्ता बता दो बेटो वा पत्ता ना कहता चला जाए तो हमें कहा दूसरी डाल लिया काट के दे दे तो बोल क्या मना लिए थे नौवा 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 ना कहा बाभन नाम पते एड्रेस और पर्चे काका हो आप हमारे मालिक हम आपके गुलाम जाना था सब दिना साहब खिया नौकरी करा चला है आज तक तो हा कभौ लेहे ना आई ना काम ना ले काम ना ले काहे हक बकाए जा था नमोआ हां हां नमोआ आज तक तो हा कभौ लेहिन ना है बेटा तो हा सामान ही करी थी हम सामान करी थी बेटा काका हो जैसे आप आए हमारे प्रिय दर्शक भाइयों को अपने मुखारबिंद से और हमारे शर्मा जी को अपना नाम बता दीजिए ठीक है बेटवा हम खुद ही बता दे भाई हां काका बता दीजिए भैया रे हम शहर कानपुर के रहने वाला ही हमार नाम है सेठ छंगू लाल सेठ छंगू लाल हमारे बल के भैया रहन जेकर नाम रहा सेठ गंगू लाल हमारे बल के भैया का
स्वर्गवास हो गया। हमार भौजी बा ओकर नाम बा लक्ष्मी। हमारे लक्ष्मी भौजी के दुई बेटवा है। हाँ बेटवा, बड़के बेटवा का नाम है सूरज और छोटे के बेटवा का नाम है अगर। ये दोनों बेटवा हमार इलाहाबाद अनवर सिटी में पढ़ाई करा थी। अनवर सिटी में ना है काका? हाँ। काना सिटी में। ए बेटवा यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। हाँ 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 बेटवा यूनिवर्सिटी में। ए बेटवा। हाँ काका। परो भी आ बाबा। ई राव ये। हाँ। तोहरो जवानी ऐसे बाहर के पूरा दिया बाबा। हमारे मेहरारू का नाम है छबीली भक्ति। हाँ। इतना प्रेम से। और का छबीली भक्तिन हमसे इतना प्यार कर दी। हाँ। इतना प्यार कर दी जैसे एक बिलारी एक मुंह से उतना दूसरे के मेहरारू अपने मन से प्यार न करत हो। कहीं न भाई। हाँ बेटवा। इतना प्यार अगर वो करी तो करे आप मन से दुख टीवी पकड़ ले। हो ए बेटवा। हाँ काका। सवेर हो जाए ना। हाँ। कहीं ए ठंगू ललवा। हाँ। हाँ। इतना प्रेम से। हाँ बेटवा। हाँ। अच्छा? कहीं पानी भर दे नहाबई। हाँ। चूल्हा पोत डाग। अच्छा? बर्तन माज डाग। तब का। हाँ बेटवा। बाह मारा। बहुत कहीं कहीं की धोती हमार पछाड़ दे बस और सवेर हो जाए ना। हाँ काका। कहीं ये बेटवा पूरा दुआर बाहर डाग। जिंदगी में पहला मेहर गुलम्मा देखा थे। का भाव बेटवा? इतना काम करे क्या करे काका? काहे? कुछ नहीं करे। जब तलुक बर्तन नमाजत कौनो काम करे। और का ए बेटवा। हाँ काका। आज हमार भौजी से मिले के मन कहत बाटे। यानी बल्कि माता जी से। हाँ, चले आज अपने भौजी से मिल जाओ जाए हम। चलता है का? हाँ वो चली। लेकिन ऐसे ना है काका, ऐसा कुछ देख चला जो कि हमारे प्रिय दर्शक भाई हैं खट्टी चटनी चाटत पड़ा रहा है मैं वहाँ चला चली। ठीक है बेटवा। कमरिया के पतरी कमरिया के पतरी कमरिया के पतरी कमरिया के पतरी भौजी हमार हो कर माली। मेरा बेटा सूरज, मेरा बेटा सागर। क्या क्या बोला है? माय के नाम हराम खो जबान में लगाम लगा ले। फिर कहा तहकर माय के नाम देख रहा है।